बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम आपको इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाएंगे। तो देखिए, उसके नेक के लिए सबसे पहले हमने डबल फ्यूजिंग पेपर लिया है इस तरह से, और इसकी देखिए लंबाई मैंने 14 इंच रखी है। 14 इंच से देखिए हमने यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करना है, फिर यहाँ से हमने इसको तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है ना। फिर हमने इसको अपनी कुर्ती के ऊपर रॉन्ग साइड पे हमने इसको पेस्ट करना है। व्यूअर्स, मैंने अपनी कुर्ती को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट किया है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लें। बस इसकी जो देखिए चौड़ाई है ना, इस तरह से मैंने ना इसको एक इंच बढ़ाकर रखा है, 8 इंच रखा है। तो आपने भी इसको एक इंच बढ़ाकर रखना है। वो एक इंच हमने क्यों बढ़ाकर रखना है वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। अब देखिए इस तरह से, देखिए हमने 5 इंच पे इसको मार्क कर लेना है, और एक लाइन की सूरत में हमने इसकी क्रीज सी बना लेनी है, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अभी देखिए हम इसको इस तरह से अपने नाखून से इसको इस तरह से क्रीज सी बना लेंगे नीचे तक। आप इस्त्री की मदद से भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इसको हमने देखिए पूरे इस नेक को हमने इस तरह से तिरछा हमने इसके ऊपर मार्क कर लिया है। आप चौकी मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी रहे, ठीक है ना। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक को ड्रॉ करना है। नेक का साइज़ मैंने 5.5 रखा है लंबाई में, और चौड़ाई में हमने 4 इंच रखा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी हमने सेम इसी तरह से तिरछा लेना है नेक को। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर को लिया है तिरछे में, इसी तरह से हमने इस नेक को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। फिर हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए व्यूअर्स, हमने इस तरह से लंबाई में 3 मार्क करने हैं। आप इसको 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह से मैंने डॉट लगा दिए हैं। अब देखिए मैंने ये आड़ी पट्टी ली है 2 इंच की, ठीक है ना। उसके ऊपर मैंने इस तरह से नेक को बनाना है, इसके राइट साइड पर रख के हमने डबल इस कपड़े को हमने स्टिच करना है। सबसे पहले तो व्यूअर्स, में जब तक इस पट्टी को इस नेक के ऊपर अटैच करती हूँ, तब तक आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ बने घंटी के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके साथ ही मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। और व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कम्प्लीट कटिंग के स्टिचिंग के ट्यूटोरियल मिलेंगे, नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन। उम्मीद है व्यूअर्स आपको वो भी बहुत पसंद आएंगे, और आपने मेरी वीडियो देखने का टाइम निकाला है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब देखिए हमने इस तरह से कट लगाने हैं पट्टी के ऊपर भी और नेक के ऊपर भी, ताकि ये हमारी पट्टी अच्छे से पीछे फोल्ड हो जाए। देखिए इस तरह से, अब हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच करनी है इस पट्टी को सेट करके, ठीक है ना। व्यूअर्स, मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी डिज़ाइन हों मैं आपको दिखाऊं सिखाऊं, वो थोड़े इजी ही हों, ताकि उसे बिगनर्स भी आसानी से साथ बना लें, और मेरे डिज़ाइन दिखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं और बनाने में बहुत इजी होते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने ये अपने नेक को कंप्लीट कर लिया। अब हमने लेस ली है इस तरह से, ठीक है ना, कंट्रास्ट में लेस है। अब हमने इस लेस को इस तरह से रखना है अपने नेक के ऊपर, और हमें इसको स्टिच करना है, ठीक है ना। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप इसको किसी भी ग्लू की मदद से पहले लेस को अटैच कर लें, फिर आप इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लें, तो भी आपको बहुत इजी रहेगा। लेकिन इस तरह से भी इस नेक को कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये नेक बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है इसको ज्वाइन करना, ठीक है ना। फिर हम इसको डबल स्टिचिंग से इस लेस को कम्प्लीट कर लेंगे। देखिए अब ये नेक पे हमने लेस लगाई, कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अब देखिए हमने यहाँ पर जो ये डॉट लगाए थे ना, इन डॉट के ऊपर हमने लेस को इस तरह से लगाना है कि ये बी जो है ना इन डॉट के ऊपर बने, ठीक है ना। और इन तीनों चारों लेसेस में ना गैप बराबर से आना चाहिए, इसीलिए हमने इनकी टेप से मेजरमेंट करके हमने इसके ऊपर डॉट लगाए थे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस लेस को किसी भी ग्लू की मदद से आप इसको अटैच कर सकती हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए हमने जो 1 इंच बढ़ा लिया था ना अपनी कुर्ती का साइज़ चौड़ाई में, वो इसलिए लिया था। अब हमने इसको देखिए 1/2 इंच इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है, और इस लेस को हमने इस फोल्डिंग प्लेट कह लें या कुछ भी जो भी आप कह सकती हैं, इसको आप इसमें रख के आप इसके ऊपर टॉप स्टिच कर दें। इस तरह से हमारी ये लेस भी छुप जाएगी, और जो है ना हमें कुर्ती को कट भी नहीं करना पड़ा यहाँ से, और ये बहुत ही आसानी के साथ ये डिज़ाइन हमारा कम्प्लीट होगा। इस तरह से देखिए हमने इसको बिल्कुल नीचे दामन तक लेके जाना है और इसका स्टिच करना है। व्यूअर्स, ये डिज़ाइन कुर्ती को कट करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी परेशानी होती। ये ज़्यादा इजी है मेरे लिए, मुझे ज़्यादा इजी लगा, बिगनर्स के लिए भी और सबके लिए ज़्यादा इजी डिज़ाइन है ये। इस तरह से आप चाहें तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमने सेम दूसरे साइड पर भी हमने इसी तरह से इसमें लेस को हमने छुपा देना है इस प्लेट के अंदर, ठीक है। और फिर हम इसके ऊपर
देखिए क्या करते हैं, अभी आप आगे चल के देखिएगा हमारे साथ, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे साइड से भी हमने इसी तरह से इसको टॉप स्टिच हमने इसके ऊपर कर दी है प्लेट डाल के, ठीक है। अब इस तरह से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके ऊपर देखें यही लेस को हमने लगाना है, इस तरह से हमारी ये सिलाई भी छुप जाएगी और हमारा एक अच्छा सा पैनल वाला लुक आ जाएगा इस कुर्ती में। तो ये हमारी पैनल वाली कुर्ती बन जाएगी। इसी तरह से हमने दूसरे साइड पर भी स्लीव्स को अटैच कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए व्यूवर्स, हमने जो है ना ये 2.5 इंच के हमने स्क्वायर कट करे हैं इस तरह से। हमने इसके ट्रायंगल बना लेने हैं अपनी कुर्ती के दामन के ऊपर, इसका हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अब देखिए जो हमने फिनिशिंग पट्टी के साथ जो ट्रायंगल बनाए थे, हमने इसको इस तरह से अटैच किया है, ठीक है, दो रंग के ट्रायंगल के साथ। अभी भी हमारा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए हमने यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी लाइन सी नज़र आ रही होगी, क्रीज सी, हमने ये चौक से 3 इंच ऊपर तक हमने इसको इस तरह से कर लिया है। आप चाहें तो आप चौक की मदद से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से ये लेस अटैच करेंगे। इस तरह से लेस हमारी बिल्कुल सीधी जॉइंट होगी, ज़रा सी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ठीक है ना। हम आपको ये लेस अटैच करके इसका फाइनल लुक भी दिखाते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसके ऊपर गोल्डन कलर के बीड्स लगा लिए हैं। बीड्स थोड़े बड़े साइज़ के हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसकी जगह बटन भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत आ रहा है। बहुत ही इजी भी है, बहुत सिंपल भी है और बहुत ही खूबसूरत भी इसका लुक आ रहा है। देखिए दोनों ट्रायंगल्स के बीच में भी हमने ये बीड्स यूज़ किया है इस तरह से। और देखिए व्यूअर से कितनी फिनिशिंग के साथ इसके अंदर फिनिशिंग पट्टी अटैच करी है। और ये डिज़ाइन आप अपनी प्रिंटेड कुर्ती में, प्लेन कुर्ती में भी बना सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने मेरी वीडियो देखने का टाइम निकाला है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए फी अमान अल्लाह।